की फायर आज के, माय गॉड, रे बाप, आज तो लाख लोग ही तुम्ही तो ऐसे जो एकदम शॉप के ट्रांसलेटेड इसका मतलब ये हुआ कि क्या आग जला दी इन्होंने, करेक्ट? रे बाप, ऐसा लग रहा था कि ये सोच के आए कि कोई नजर नहीं आना चाहिए। स्मिता, बेशक तुम अच्छी सिंगर तो हो ही एंड सिंगिंग इज योर स्ट्रेंथ, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि यू हैव टू वर्क अ लिटिल ऑन योर प्रेजेंस एंड योर कॉन्फिडेंस, इवन इन योर वॉइस, मोर सो इवन इन योर वॉइस, ओके? सो यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड ऑन दैट। थैंक यू मैम, जरूर मैं कोशिश करूँ। दोबारा कभी ये मत सोचना कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है और लोग इसलिए आपको नहीं चाहते हैं या आपके गानों को पसंद नहीं करते हैं। ये निगेटिव थॉट्स आप अपने दिमाग से आप बिल्कुल हटा दीजिएगा। देखो, मैं ज़ाती तौर से समझता हूँ स्मिता के थोड़े लिल्ट के गाने ज़्यादा सोबर गाने हैं, रोमांटिक गाने, इमोशनल गाने तुम्हारा फोटे है, लेकिन ये गाना तुमने बहुत अच्छा गाया और इस गाने से तुमने ये साबित किया है कि तुम्हारा रेंज क्या है एज अ सिंगर, कि जो तुम्हारा शायद बेसिक वो ग्रेन नहीं है, जो तुम्हारा बेसिक स्टाइल नहीं है, उससे बाहर भी निकल के अगर तुम गाओ तो कितनी कॉम्पिटेंस से गा सकती हो, ये तुमने इस गाने में दिखाया है। वेरी गुड। लम्हा लम्हा दूरी यूं पिघलती है, जाने के साग में ये शबनम जलती है। साग में ये शबनम जलती है, ख्वाहिशों की शाम ढलती है, ख्वाहिशों की शाम ढलती है, जाने के साग में ये शबनम। So Parleen is really back, huh? Judges. जी खुश कर, शाबाश। Thank you sir. जब पहली बार तुम्हें देखा था तो जैसे लगे थे आज पलट के वैसे ही लगे हो, वाह। That's Parleen. Thank you sir. ये कंपटीशन में बहुत ज़रूरी है कि हर बार आप अच्छी परफॉर्मेंस करो एंड यू हैव बीन मेंटेनिंग दैट कंसिस्टेंसी, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। वेरी गुड। खड़ा होता हूँ और बोलता हूँ आपको सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर। जब गाते हैं आप तो मैं आपको देखता रहता हूँ, क्या खूबसूरत पर्सनैलिटी। थैंक यू सर। किस खूबसूरत अदाज से आप गाना गाते हैं, लेकिन ये बरकरार रहना चाहिए क्योंकि कंपटीशन बहुत है। यस सर। थैंक यू सर।
अंकिता फैब्यूलस. थैंक यू मैम. रियली हिला के रख दिया तुमने. उदित जी, अदायगी के साथ अच्छा सिंगिंग करना ये बहुत मुश्किल बात है और कंटिन्यू दो बार आपने कमाल कर दिया है. थैंक यू सर. गुड लक. आज दिस वाज वन ऑफ योर मेजरली फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस एवर. फॉर मी द जनता शुड चूज यू राइट नाउ. मैं अंकिता के बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ. मैं सोच रहा हूँ कि जो दूसरा है वो इन तीनों में से कौन होगा. दो चुने जाने. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.